हो मेरे दोस्तों, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। आज मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई जिम कितने टाइम में आएगा। मैंने बोला मैं कि हाँ भाई अभी आधा घंटा लग जाएगा, तो अब हमारा आधा घंटा हो चुका पूरा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम निकलने वाले हैं जिम के लिए। तो आज उसने पूछा कि आज एक्सरसाइज कौन सी लेंगे। मैंने बोला था आज यार मेरी छुट्टी भी थी तो मुझे पूरा रिलैक्स मिला, तो आज हम थाई लेंगे, तो उसी के लिए चलो। तो फिर मिलते हैं जिम में। जिम जाने के बाद जब दिखाऊंगा मैं, ठीक है? ओके। हेलो गाइस, देखो जिम में आ चुके हैं। अब हम वर्कआउट चालू करेंगे। आज थाई मारेंगे, हैवी एक्सरसाइज। और ये देखो मेरा दोस्त भी आ चुका है। आज टेस्ट एकदम बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। फाइनल खत्म। करने के लिए भाई बहुत मेरा भाई, जैसे कि हम वार्म अप कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज पूरी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद दो साइड हम एप्स के मारते हैं। क्योंकि अभी हमें एप्स मतलब एप्स की एक्सरसाइज करनी नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपना वेट गेन करना है एंड अपना हमें वर्कआउट अच्छा करना है। एप्स की तो तब करते हैं ना, तब जैसे आदमी का शरीर मतलब सही हो जाता है, उसके बाद दिखता है कि हाँ मुझे एप्स निकालने चाहिए। तो ये मेरा भाई एप्स निकालता है। भाई बारिश देखो कितनी तगड़ी है। अब भाई कैसे जाएँ इस बारिश में, भाई वेट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। कितना पानी है, बहुत ज़्यादा। देखो भाई पानी भरा हुआ पूरा एकदम, नहीं दिखा। कौन, जूते सारे भीग गए हमारे। काफ़ी टाइम से हम जिम में बैठे थे, मैंने कि शायद बारिश बंद हो जाए, पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर हमने सोचा, क्योंकि भाई एक घंटा से ऊपर हो गया हमें वर्कआउट किए हुए, ख़त्म किए हुए। अब तुम्हें पता है क्या, वर्कआउट ख़त्म होते हुए इंसान को प्रोटीन चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए ना खाने के लिए। हमारा हो नहीं पाया था, हमने भाई निकलो भाई, जूते भीग जाएँ, कपड़े भीग जाएँ, कोई गम नहीं। तो कब तक बैठेंगे, ये तो बारिश बंद होने का नाम, 9 बजे तक नहीं बंद होगी, 10 बज जाएंगे। फाइनली मैंने सोचा, मैंने भाई निकल लेते हैं, अब अभी इसी में भलाई है।
पता क्या हुआ? तो ये बंदा साइकिल से निकल रहा था। मैंने कहा इससे दोस्त से, मैंने कहा मैं साइकिल से जा रहा हूँ और तू अपना मैंने इससे कहा अगर तू पैदल आ जाइए मैं साइकिल से निकल रहा हूँ। पर ये मुझसे बोलता है नहीं भीगेंगे तो दोनों साथ भीगेंगे, कोई नहीं भीगेगा। मैंने ठीक है भाई तेरी इच्छा है, फिर काफ़ी टाइम हो गया सोचते सोचते कि भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। पर भाई मेरे से इतना वेट ना किया जाता किसी चीज़ में, मैं भाग लेता हूँ। अब मज़ा आ गया ना, बहुत जूते भिजा के हैं। तो अभी से साथ छोड़ रहा है, मैंने बोला है मैंने जूते पकड़ लो कंधे पर लटका लो तो चलते हैं। देखिए काला है मैं बोल रहा था नालू नालू से ना बंदे ने नहाने नहीं दिया। हाँ नहा लेना तुम्हें तो दिन का मतलब बारिश की वेट कर रहा था, सब बारिश हो बारिश हो बारिश होने का नाम नहीं लेगी। और ऐसे ही इसमें जिम कर रहे थे वर्कआउट करते बारिश स्टार्ट हो गई। बड्डा बड्डा देख लियो भाई कहीं वो देखे ना एक बार, चलते चलते बहन जो मनोज गायब हो वो कहाँ गया? वो तो गड्ढे में चला गया, दिख ही ना रहा भाई। इतना पानी है भाई, यहाँ का एरिया पता नहीं कैसा है, यहाँ थोड़ी सी बारिश आ जाए पानी निकल ही नहीं पाता। थोड़ी सी बारिश आ जाए इतना पानी भर जाता है, पूछ नहीं सकता। देखो अब बहुत ज़्यादा है, हमने काफ़ी देर वेट किया पर एक घंटा हो गया। एक घंटा था क्या था ये भाई? छोड़ के मछली और आपको आगे दिखाते हैं, आगे मोड़ है, मोड़ से पहले ही इतना पानी भरा हुआ है पता नहीं। देखो भाई ना तो ये पता चली नाली कहाँ है, हम अपना बीचा बीच में चल रहे हैं भाई। इधर हो जा थोड़ा सा पानी, देखो तुम पानी एकदम कितना पानी है देखो। पानी निकल रहा है, ठीक है भाई फिर हम निकलते हैं दोनों। ये मेरी जान लगी तू मेरी जान मिलते अगले फिर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई अब मैं निकल चुका हूँ, मेरा दोस्त कह रहा था बारिश कितनी भी आए या कितनी भी सर्दी हो कितनी भी गर्मी हो जिम नहीं छोड़नी मेरी जान। यानी कि ठीक है मेरी जान कोई दिक्कत ना है भाई।